नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। UPSSC के द्वारा एक नई नोटिस जारी की गई और ये नई नोटिस है आपकी परीक्षाओं से संबंधित। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और इस नोटिस के बाद बहुत सारे प्रश्न भी अभी उठ गए हैं, दिमाग में आने लगे हैं कि क्या परीक्षाएं जल्द हो जाएंगी या परीक्षाएं लंबित होंगी या परीक्षाएं होंगी भी कि नहीं होंगी। ऐसे तमाम क्वेश्चंस दिमाग में हैं और बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चन हैं कि नमाम अगर देखा जाए इस समय लगातार UPSSC एक स्पीड को प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि लगातार इसने बहुत सारे काम निपटाने हैं और लगातार नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है और सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब उसे कर लीजिएगा। अभी एक नोटिस आई है और नोटिस है ये टेंडर से संबंधित। सब कुछ हम लोग समझते हैं कि ये अभी इससे पहले भी आप लोगों ने एक नोटिस देखा था जिसमें ये था कि एक जो इन्होंने ऑफलाइन OMR पेपर बेस्ड कराने के लिए टेंडर निकाले थे उस टेंडर को इन्होंने क्या किया था, उस टेंडर को इन्होंने रद्द किया था और उसकी जगह पे अब ये क्या किए हैं, एक नया टेंडर निकाले हैं। तो एक टेंडर आप लोग क्या करते हो, रद्द करते हो, दूसरा टेंडर निकालते हो, इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि कहीं ना कहीं अभी हाल में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई और इस परीक्षा में बहुत ही सुचता पूर्वक परीक्षा कराने पर जोर दिया गया जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे तरीके बदले गए। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, बहुत सारी कंपनियां निविदाएं प्रस्तुत करती हैं या फिर वो पार्टिसिपेट करती हैं और खरी नहीं उतरती हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो रूल्स रेगुलेशन हैं UPSSC या UP के तमाम ऐसे भर्ती बोर्ड हैं उनके रूल्स रेगुलेशन पर खरी नहीं उतरती तो उन्हें हटा दिया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इससे पूर्व में भी बहुत सारी एजेंसियां थी जो किसी खास को ही मिली हैं, भले ही ये बोला जाता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, भले ही ये बोला जाता है कि सब कुछ ये टेंडर जो है वो ओपन है, लेकिन इससे पहले में भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं सरकार के जो करीब कंपनियां होती हैं, जो इनकी चहेती कंपनियां होती हैं, उनको टेंडर पहले भी मिला है। हालांकि इसकी बात हम लोग करेंगे, अभी आज की नोटिस है, ये 27 सितंबर 2024 की नोटिस है और अगर इसे आप लोग यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो इन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ ई टेंडर डॉक्यूमेंट, ये नए टेंडर की बात किए हैं कि अब नया टेंडर आएगा। इससे पूर्व की जानकारी मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्जाम के टेंडर थे, क्योंकि लगातार बहुत सारे एग्जाम हैं जिनका अभी अता पता ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम तो होने हैं, आने वाले हैं, जैसे राजस्व परिषद में लगातार कई सारे पद लेखपाल के खाली लगातार ये आपके न्यूज़पेपर में आते हैं और न्यूज़पेपर में ही रह जाते हैं कि पद आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पे भूमि अध्यक्ष अमीन का इसका पद का कुछ अता पता अभी तक नहीं चला। एक ANM की वैकेंसी थी 5272, तभी की कब का है ये न्यूज और तब से अभी तक ANM की भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें होम्योपैथिक निदेशालय का बेसिक का तो आ गया, यहां पे भंडार एवं लिपिक अगर चिकित्सा स्वास्थ्य में BCG और TB स्वास्थ्य प्रदर्शक का इसका भी वैकेंसी निकाली जा चुकी है। अभी बाकी जो वैकेंसीज हैं यही नहीं निकाली गई हैं, अवर अभियंता की भी हो चुकी हैं, तो ये वैकेंसीज भी अभी रिक्त हैं, आने बाकी हैं। साथ में ऐसी वैकेंसीज की बात करें जो इन्होंने पहले वैकेंसी ये PET जो रिक्त हैं उनके आधार पर इन वैकेंसीज को देखो, लेकिन PET 2023 के आधार पर ऐसी वैकेंसीज जैसे सचिव श्रेणी हो गया, कनिष्ठ विश्लेषक हो गया, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, स्टोर कीपर हो गया, बेसिक आयुर्वेदिक हो गया, ऐसे ही अब लोग अवर अभियंता की बात करेंगे, होम्योपैथिक बेसिक की बात करेंगे और प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की बात करेंगे। ये जो 2023 PET के आधार पर थी इनमें एक भी ऐसी वैकेंसी PET 2023 की एक भी वैकेंसी का एग्जाम नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये कि PET 2024 आने का समय हो गया, एक साल से ज़्यादा आप PET लिए बैठे हो। आप कभी बोलते थे कि हम साल में PET 2 बार कराएंगे और इनमें से कोई भी परीक्षा नहीं हुई है। यही नहीं, इससे के पहले बात किया जाए तो जूनियर असिस्टेंट 5512 की बात करें या फिर 1262 की बात करें, किसी की टाइपिंग रुकी हुई है तो किसी का क्या रखा हुआ है, यहाँ पर परीक्षाएँ ही रुकी हुई हैं। PET 2022 के आधार पर देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारी 1462 पद, अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार हो गया, फिर आपके क्या हो गए नक्शान 20 और मानचित्रक के अब जाके इन्होंने क्या किया है, इसका सिलेबस दिया है। PET 2022 का है, 2024 आने वाला है और सिलेबस अब जाके दिया गया है। वन रक्षक मंजू रक्षक हो गया, आसुलिपिक मुख्य परीक्षा हो गई, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक 5512, इस वैकेंसी इसका अता पता नहीं है कि कब जाके इसका क्या होगा, पेपर होगा। ऐसे तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका ये अता पता ही नहीं है कि इनका पेपर कब होगा और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये टेंडर निकाल रहे हैं और अभी तक UPSSC ने टेंडर को पब्लिक नहीं किया। तो आज
इस एक महीने में क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी जो इन्होंने क्या किया, टेंडर की नोटिस को जारी कर दिया। टेंडर की नोटिस को देखें तो अब नया टेंडर ओपन होगा 27/9/2024 को होगा। इसके लिए सबमिशन जो कंपनियां करेंगी 27/9 को ही करेंगी। लास्ट डेट क्या है, 4/10 रखा गया, मतलब 4 अक्टूबर। और फिर डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल ईबिट, क्योंकि ये जो होते हैं जीएफआर रूल के आधार पर ये दो चरण के बोल सकते हो कि निविदाएं होती हैं, एक टेक्निकल होता है दूसरा फाइनेंशियल होता है, तो टेक्निकल 5 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल के लिए इन्होंने अभी डेट ही नहीं ओपन की है, बताए हैं कि फाइनेंशियल का हम बताएंगे। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 5/10 को जब टेक्निकल ओपन होगा तो कम से कम 5 दिन आप लोगे, मतलब 5 अक्टूबर की बात किया जाए, 5 अक्टूबर को आपका फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल होने के बाद आपका जो जो कोई एजेंसी जो है आपकी, कोई जो कंपनी है वो अगर टेंडर मान लो आप सेलेक्ट करते हो तो जल्द से जल्द की बात किया जाए तो मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होना है। इसका मतलब ये समझा जाए कि भाई आप परीक्षाओं में लेट कर लो। एक चीज बहुत यहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर कंपनी नहीं है तो इसका मतलब इस बार पीईटी जो होगा वो नवंबर दिसंबर से पहले तो नहीं होगा, और अगर इन्होंने पीईटी 2024 बाकी वैकेंसी से पहले करवा लिए तो यकीन मानिए हम छात्र और हम अध्यापक शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम इनको असलियत दिखा देंगे कि पीईटी पे पीईटी आप कराए जा रहे हो, भाई क्या फायदा इस पीईटी का जब आप परीक्षाएं ना करो, और जो परीक्षाएं 2022 पीईटी से लंबित हैं उनको आप नहीं करवा रहे हो। तो मैं आप पता लगे टेंडर फाइनल हो जाए पहले आप पीईटी लगा दोगे, हम पीईटी करवाएंगे। हालांकि बच्चों लगातार इन्हें अगर देखा जाए, UP SSC की वेबसाइट पे जाओगे, मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूं, तो इस नोटिस में जाओगे लगातार पिछले 10-12 दिन में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम के क्या किए हैं, ये पाठ्यक्रम जारी किए हैं। आप देखोगे तो अभी अभी आज 27/9 को किसका किया गया, एक आया है विज्ञापित दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, ये तो सीधा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कार्यकलाप भी हेतु ई निविदा, ठीक है, तो ये तो ई निविदा आमंत्रित किए जाने के संदर्भ में, और ये कार्यकलाप बी के हिसाब से पता नहीं ये क्या है। विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा, ये आपकी परीक्षा योजना की 26 तारीख को एक आई, दूसरी आपकी 24 तारीख को आई। आप लगातार डेट देखो, 19 तारीख को आपका क्या है होम्योपैथिक बेसिक का आया, परीक्षा योजना आया। 18 तारीख को किसका आया, अवर अभियंता का आया। 17 तारीख को किसका आया, सहायक स्टोर कीपर का आया। 12 तारीख को किसका आया, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ये तो रिजल्ट का था, ठीक है। अंतिम परिणाम 11/9 अगर देखा जाए तो यहां पे लिखित परीक्षा योजना बीसीजी टेक्नीशियन का आया। 10 तारीख को सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 परीक्षा आई। उसके बाद विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा नक्सान 20 और मानचित्रक का आया। 7 सिक्को वन रक्षक और इनका क्या आया, अंतिम परिणाम आया। तो आप देखो 9 से लगातार 9 सितंबर से और आज 27 है, कम से कम नहीं तो 10 परीक्षाओं का इन्होंने क्या किया है, सिलेबस जारी किया है। तो एक चीज समझ में आती है कि हां भाई अगर सिलेबस जारी किए हैं तो ये परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं, और हर चीज अब निकल के आ रही है कि अब इनका थोड़ा सा जो सो रहे थे कुंभकर्ण इनका भी जगा है, और कहीं ना कहीं बच्चों ने जो धरना प्रदर्शन किया है उसका भी फायदा मिला है। लेकिन फिर भी एक चीज तय है कि आपकी जो कोई भी एग्जाम होगा 15 अक्टूबर से पहले, 15 अक्टूबर क्या मान के चलो कि नवंबर से पहले तो कोई एग्जाम आपका होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सितंबर आपका बीत गया, आपके पास अक्टूबर और नवंबर, नवंबर में जितना समय मिल जाए मिनिमम इतना समय मिलेगा। लेकिन ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस अभी जारी हुआ है, जैसे होम्योपैथिक बेसिक वाले हो गए, जैसे सचिव श्रेणी के हो गए, जैसे बहुत बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जिनमें आपके क्या है, मैं सारे की बात कर लूं यहां पे, जैसे होम्योपैथिक कनिष्ठ विश्लेषक औषधि और खाद्य का हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं कि ये सहायक स्टोर कीपर बच्चे बोलते रहते हैं, और इसका बात करें बीसीजी टेक्नीशियन का, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा, नक्सान 20 और मानचित्रक, इनमें आप सिलेबस में जो परीक्षा योजना है वो भी 65 और 35 का रेशियो, मतलब 35 तो आप यूपी और कंप्यूटर दे रहे हो, बाकी जो 65 है वो कॉमन दे दे रहे हो। तो इसमें बच्चों को मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक समस्या आ रही है कि इनको कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है, कहीं कोर्सेस नहीं मिल रहे हैं कि तैयारी कैसे करें। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा, देखो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं बच्चों, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरा लग जाए, लेकिन आज के टाइम पे है क्या ना कि जितनी भी संस्थाएं जिन्हें बच्चे भगवान बना देते हैं वो केवल पैसे के पीछे भगते हैं। बहुत, मैं भी एक संस्था ही हूं, मुझे संस्था के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो जहां पे आपकी संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहां पे एक चीज देखो कि अगर हम लोग यहां पे कितने बच्चे क्या किए हैं, एनरोल किए हैं, बेसिक आयुर्वेदिक के 1002 रिक्त पद हैं और आवेदक हैं 2748। अब समझिएगा कि आप लोग कंटेंट ढूंढते हो, आप लोग किताबें ढूंढते हो, आप लोग क्या ढूंढते हो, आप लोग ढूंढते हो कि
कोई ऑनलाइन कोर्स मिल जाए। भाई यहाँ पे केवल 2748 बच्चा ने क्या किया है, 2748 बच्चा केवल आवेदन किया है। मैं कह रहा हूँ 2748 के 2748 बच्चे भी मिल क्या हो जाएं कि सारे लोग शॉर्टलिस्टेड हो जाएं, तो भी कोई अगर कोई कोचिंग क्या करेगी, कोई कोचिंग इसका कोर्स निकालने का प्रयास ही नहीं करेगी। क्योंकि पहली बात मैं बहुत क्लियर बात बोल दूं कि UP SSC की फीस कोई भी 500, 700, 800 के ऊपर रख नहीं पाएगी, और उसके बाद अगर फीस रखेगी भी तो मुश्किल से 8-10 बच्चे मिलेंगे। तो किसी भी संस्था को लगेगा कि हाँ भैया 8-10 बच्चे को पढ़ाना है, मतलब 4-5 हज़ार रुपया केवल आएगा, पूरी टीम नहीं लगाओ। तो संस्थाएं अब आज के टाइम पे संस्थाएं नहीं है, आज के टाइम पे क्या है, बिजनेस मैन है। इस बात को आप समझिएगा, मैं भी एक संस्था हूं, लेकिन मैं इस बात से बोल रहा हूं क्योंकि मुझसे जो हो सकता है बच्चों में वो करूंगा। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई लोग बिजनेस देखते हैं और मैं अपना लॉस देखता हूं, कि मैं घाटा नहीं, घाटा इन द सेंस कि मैं अपना सर्वाइवल ही कर लूं। मेरा तो इतना आप लोग भी जानते हो, इतनी बड़ी संस्था नहीं हूं कि भाई मैं सर्वाइव ही कर लूं, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में भी बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत बड़े बड़े, बहुत प्रैक्टिकल मन की बात बोल रहा हूं, आपसे समझिएगा। तो बट फिर भी मैं कभी चाहे जो भी छोटी वैकेंसीज हुई है, परीक्षा प्लस आपको हमेशा साथ दी है और हमेशा इसमें भी साथ देगी। मैं कोर्सेज का तो आपसे प्रॉमिस नहीं करता हूं, लेकिन जो भी हमसे कंटेंट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, या आपसे जो भी चाहे वो निशुल्क में मदद मिल पाए या फिर उसके लिए छोटा मोटा चार्ज हो, और छोटा मोटा चार्ज भी हम प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे निःशुल्क हो जाए, या जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अपनी टीम को एक बार बोल दूंगा कि भाई जो बच्चों के लिए हो सकता है वो कर दिया जाए, इतना जो मैं कर सकता हूं वो कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसके कोर्स और कंटेंट के पीछे पूछो तो भाई आप या तो मेरी बात, या तो मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, या तो आप 417 अगर यहां पे देखा जाए तो 397 पद के लिए 1213 नया इसमें सिलेबस है, नई सारी चीजें हैं, कोई कोर्स क्यों निकालेगा, बिल्कुल कोर्स नहीं निकालेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप कोचिंग के सहारे मत बैठिए, 228 पद पे 542 बच्चे हैं केवल, 542 आवेदन करने वाले, कितने बच्चे कोर्स ले लेंगे, 20-30-50 नहीं निकालेगा कोई कोर्स। तो इस बात को समझिएगा, कोई संस्थान कोर्स निकालने नहीं जा रही है, कोई संस्थान कुछ करने नहीं जा रही है। तो ये क्लियर है, इस बात को आप भी समझते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका, क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा है कि आपके सिलेबस से संबंधित है, तो बेटर वुड भी ये रहेगा कि आप अपने सिलेबस, जो आपकी पाठ्यक्रम रहे हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जो आप उस एकेडमिक में ईयर में पढ़े हो, उसी को आप क्या करो, रिवाइज करो। मुझसे जो हो सकता है वो मैं आपको रिसोर्स बता दूंगा, कहां कहां क्या कर सकते हो, वहां से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार भी हो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मुझसे जो हो सकता है वो बोल मैं कर दूंगा, बस मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा क्या आप चाह रहे हो कि मतलब एक नोट्स वगैरह आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाए, या केवल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दिया जाए, क्या आप चाह रहे हो, एक बार डिमांड अपनी बता देना, तो उस हिसाब से अपनी टीम को लगा दूंगा। मुझसे जो हो सकता है बच्चों में कर दूंगा, और मैं उसके लिए कोई शुल्क या कोई ऐसा कमाई के लिए, आपको भी पता है कमाई के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।